हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता आज आपके सामने फ्रूट क्रीम की एक नई रेसिपी लेके उपस्थित हुई हूँ। व्हीप क्रीम से फ्रूट क्रीम कैसे बनाई जाती है और ये बहुत ही क्रीमी और स्वादिष्ट बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने व्हीप क्रीम ली है, करीब 1 केजी है। आप जितना चाहे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और पसंदीदा फ्रूट और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिया है अनार, अंगूर, वाटरमेलन, तरबूज, वसक बेलन, खीर, पपीता, बनाना और ड्राई फ्रूट। इसको बारीक चूरी कर ली है और वनीला एसेंस, अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीनी, ज़्यादा मीठा खाते तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ फ्रूट और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने वाली हूँ क्रीम के साथ। बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल के अंदर सबसे पहले व्हीप क्रीम ट्रांसफ़र करेंगे। व्हीप क्रीम को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। ये करीब 200 से 300 ग्राम है और ये बहुत ही मीठी होती है, इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले इसको बीट करेंगे, क्रीम को बीट कर लेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक बीट करना है। क्रीम को बीट करते जाएंगे जब तक ये थोड़ी हार्ड नहीं हो जाती है, क्रीमी नहीं हो जाती तब तक बीट करेंगे इसको। इसको करीब 5 से 10 मिनट तक बीट करना है ताकि व्हीप क्रीम बहुत अच्छी बने। बीट करते जाएंगे लेकिन क्रीम गाढ़ी हो चुकी है और फूल भी गई है, अलग से दिखने लग गई है। इस तरह से क्रीमी क्रीमी हो चुकी है। अब इसके अंदर सबसे पहले 1 से 2 बूंद वेनीला एसेंस डालेंगे ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट अच्छा हो जाए, और फिर से बीट करेंगे। अब ये देखो अच्छे से इसको केक के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही फूल चुकी है, डबल हो गई है ये। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट और फ्रूट मिला लेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बादाम और काजू, उसकी कतरन डाल दी है। अनार डाल देंगे, वाटरमेलन, अंगूर, बनाना, पपीता और मशकमेलन, ग्रेप्स आप पसंद करते हैं डाल दें। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। व्हीप क्रीम से 200 ग्राम व्हीप क्रीम से एक बड़ा बाउल भर के फ्रूट क्रीम बन गई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और कम समय में बन के तैयार हो जाती है। आप जितना चाहे इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।